पियान का प्लान 22। पियान 22 से हारेगा पाकिस्तान। हाईवे बनेंगे रनवे, सड़क से उड़ेंगे फाइटर प्लेन। पियान 22 से हारेगा दुश्मन। जब यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा था इंडियन एयरफोर्स का खतरनाक फाइटर प्लेन मिराज 2000, दुश्मन देशों के होश उड़ गए थे। तूफान की रफ्तार से आया जंगी जहाज पलक झपकते ही सड़क पर उतरा था और फिर हवा में उड़ गया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी जंगी जहाज ने किसी हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया हो। लेकिन अब देश के ऐसे 22 हाईवे हैं जिन्हें इमरजेंसी में रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली गई है। हिंदुस्तान की हवाई ताकत बढ़ाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा प्लान तैयार किया। इस प्लान के जमीन पर उतरने के बाद देश के हर कोने से फाइटर प्लेन उड़ान भरेगी। खबर है कि रक्षा मंत्रालय और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इस पर काम शुरू कर चुका है, क्योंकि कभी भी अगर देश में जंग के माहौल बने तो फाइटर प्लेन कहीं से भी उड़ाया और उतारा जा सके। जब कभी भी जंग होती है तो दुश्मन हमेशा रनवे और हाईवे बेस को निशाना बनाते हैं ताकि हवाई सेना जवाबी कार्रवाई ना कर सके। ऐसे हालात में हाईवे काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कई बार युद्ध के दौरान फ्यूल खत्म होने वाला होता है, ऐसे में प्लेन को हाईवे पर उतारा जा सकता है। दरअसल ये फैसला सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बने माहौल की वजह से लिया गया, ताकि हालात अगर युद्ध के बने तो हाईवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 22 हाईवे देश के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहले ही मिराज को सफलतापूर्वक उतारा जा चुका है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय का ये प्लान जैसे ही हाईवे पर उतरेगा, भारत के दुश्मन देशों की हार तय हो जाएगी। जब यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा था इंडियन एयरफोर्स का खतरनाक फाइटर प्लेन मिराज 2000। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहले ही मिराज को सफलतापूर्वक उतारा जा चुका है।